हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को और सुप्रभात। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम 28 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो पिछले एक दिन हमारे जो कुछ भी घटा उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तो उसी कड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25, 26 या 27? तो जवाब है आपका 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आप @AmanTrivedi तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहां से आपको इस मेरे हर क्लास के वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi, AmanTrivedi, डी के बाद में डबल आई आप लगाओगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा और आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। शुरू करते हैं, अगली बात आते हैं। तो 27 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया जाता है। बाकी मैंने आपके सारे डेज लिख रखे हैं, जैसे कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, 12 को वर्ल्ड ऑथराइटिस डे, 13 को नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे, 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ई वेस्ट डे, 15 को आपका इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, प्रेगनेंटी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे, 16 को वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड एनेस्थीशिया डे एंड वर्ल्ड स्पाइन डे, 17 को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और 20 को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, 21 को आपका पुलिस कमेमोरेशन डे, साथ ही साथ हमारा 23 को मोल डे मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को, 24 को वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे, इंटरनेशनल डे फॉर डिप्लोमेट्स एंड वर्ल्ड पोलियो डे, और 27 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया जाता है। और इसकी थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड, योर विंडो टू द वर्ल्ड इसकी थीम थी। ऑडियो विजुअल हेरिटेज मतलब हम जो सिनेमा देखते हैं इसकी बात हो रही है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है ये हर साल मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज एक इनिशिएटिव है यूनेस्को की तरफ से, और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन के माध्यम से टू ऑनर ऑडियो विजुअल प्रिजर्वेशन प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट सेव गार्ड आर हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। द डे वॉज चोजन टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड प्रिजर्वेशन रिस्क ऑफ रिकॉर्डेड साउंड एंड ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, हेड हैं इसके ऑड्रे अजौले, और फाउंडेड की गई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो इसके अलावा 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस डे भी मनाया जा रहा है। विजिलेंस अवेयरनेस जो सप्ताह है वो ऑर्गेनाइज किया गया है सीबीसी के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी की पोस्ट भी आती है एसएससी में, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। और इसका जो एनुअल इवेंट होता है हर साल मनाया जाता है एंड ड्यूरिंग द वीक इन विच द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉल्स, ठीक है, विच इज़ हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्मदिवस होता है और उसी हफ्ते में ये आपका मनाया जाता है। और द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट 75, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी इसका थीम है। अगला है, कल्चरल मिनिस्टर जीके रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है, जरा याद करो कुर्बानी नामक नाम से। संस्कृति मिनिस्टर जो है हमारे, कल्चरल मिनिस्टर का नाम क्या है, जीके रेड्डी, उन्होंने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री और पर्यटन मंत्री जीके रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जीके रेड्डी ने मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला, जरा याद करो कुर्बानी, भारतीय और राष्ट्रीय सेना के लिए एक श्रद्धांजलि है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें से कुछ अनकही रह गई और पारंपरिक कहानियों में जगह नहीं मिली है। ठीक है, यानी कि जो जनरली कम कई ऐसी कहानियाँ इसमें पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई जाएंगी जो जल्दी नहीं सुनी गई हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी जो है 75th इन्फेंट्री डे भी मनाया 27 अक्टूबर को। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को हर साल इन्फेंट्री डे मनाती है। ये दिस ईयर नेशन सेलिब्रेट 75th इन्फेंट्री डे ऑन अक्टूबर 27, 2021। ऑन दिस डे दैट द फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट लैंडेड एट श्रीनगर एयरबेस एंड डिस्प्लेड रिजोल्यूटनेस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज एंड बिकेम द वॉल टू थॉट द एविल डिजाइंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी
who had invaded Kashmir with the help of tribal raiders in 1947. 1947 में कश्मीर ने ट्राइबल रेडर्स की मदद से कश्मीर पे हमला करा था पाकिस्तान ने, और उन्हीं की को टैकल करने के लिए भारतीय आर्मी पहली बार फर्स्ट बटालियन जो है भारत की वो कश्मीर में लैंड की थी. ठीक है, चलिए अगला है हमारा. निम्नलिखित में से किस राज्य ने ODF खुले में शौच मुक्त हासिल किया है, यानी कि ODF का टारगेट हाल में ही किस राज्य को मिला है, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, पंजाब या फिर गोवा? तो इसका जवाब है आपका गोवा. गोवा को अभी हाल में ही ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री का टारगेट अचीव किया है. 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है. गोवा के CM है प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और कैपिटल है पणजी. पंजाब के CM है चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और कैपिटल है चंडीगढ़. न्यू दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल. उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है हमारी लखनऊ. तो IB मिनिस्टर हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने गोवा को अनुराग ठाकुर ने ODF हासिल करने और हर घर को बिजली से जोड़ने के लिए गोवा की सराहना की है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ODF हासिल करने और हर घर को बिजली से जोड़ने के लिए गोवा की सराहना की. श्री ठाकुर ने कहा भारत ने ODF बनने का लक्ष्य रखा है, यानी कि कंप्लीटली इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है. गोवा ने इसे हासिल कर लिया है. ट्वीट्स की एक श्रृंखला में श्री ठाकुर ने बताया कि भारत के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और गोवा ने इसे भी हासिल कर लिया है. साथ ही साथ मंत्री ने हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए गोवा की भी सराहना की और यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है. श्री ठाकुर ने कहा गोवा ने गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी 100% हासिल कर लिया है. गोवा ने भी 100% प्रथम खुराक टीकाकरण भी पूरा किया है. या कहते हुए गोवा का जुनून और फुटबॉल के प्रति दीवानगी का अलग स्तर पर है. मंत्री ने कहा कि गोवा नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. तो बेसिकली गोवा ने कई सारे मिशन अचीव किए हैं. ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है, साथ ही साथ हर घर जल मिशन के तहत घर घर में पानी भी पहुंचा रहा है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य भी बना है. एंड द फर्स्ट स्टेट जिसे ODF का मिला टारगेट अचीव किया था वो था सिक्किम, यानी कि सबसे पहले जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट हुआ था वो था सिक्किम और दूसरा था हिमाचल प्रदेश. अभी आज की तारीख में जब बहुत सारे राज्य 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, कुछ राज्यों में 98-99% है और सबसे पीछे जो चल रहा है वो हमारा UP चल रहा है जिसमें 70% ओपन डेफिकेशन फ्री अभी हो पाया है. ठीक है, बाकी राज्यों में ऑलमोस्ट 90%, 99%, 98% तक हो चुका है. हिमाचल सिक्किम पहला था और हिमाचल दूसरा प्रदेश था. इसके अलावा यूनियन बैंक और CDAC ने हैंड्स ज्वाइन किए हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहली पहल शुरू करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. CDAC अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता और साइबर धोखाधड़ी से खुद को बचाने के सुझावों के साथ UBI की सहायता करेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सहायता करेगा. बैंक ने पहले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर के एक भाग के रूप में ई बुक और एक ऑनलाइन गेम स्पिन एंड लर्न लॉन्च किया है. ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सवाल है 2021 MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है. 2021 की वर्ल्ड MotoGP चैंपियनशिप किसने जीती है. फैबियो क्वार्तरारो, माइक डी मेजिलो और अर्नॉड विंसेंट, क्रिश्चियन रेसरन. तो जवाब है इसका फैबियो क्वार्तरारो. फैबियो क्वार्तरारो ने MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीती है और फैबियो क्वार्तरारो 2021 MotoGP चैंपियनशिप जीती है इन्होंने. और मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा MotoGP का फैबियो क्वार्टारो 2021 MotoGP वर्ल्ड चैंपियन बने. फ्रांसिस्को बग्निया डुकाटी लेनोवो ने दूसरा स्थान, यानी फ्रांसिस्को बग्निया ने दूसरा स्थान और जॉन मीर जो सुजुकी एक्सटार से थे उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है. फैबियो क्वार्टारो एमिलिया रोमाग्ना GP के रेस के लिए 22 साल 187 दिन की उम्र में प्रीमियर वर्ल्ड क्लास टाइटल हासिल करने वाले छठे सबसे कम उम्र के राइटर हैं. इसके पहले इसके अलावा क्वार्टारो जुहान जोराको 2 खिताब जीत चुके हैं. माइक डी मेग्लियो 1, अर्नॉड विंसेंट 1, ओलियर रुजैक 1,
क्रिश्चियन सोरेन के साथ एक प्रीमियर वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड टाइटल और जीपी रेसिंग में सातवें स्थान पर पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी राइटर बने और जीनी लुई टूर्नाडे के साथ में, ठीक है, यानी कि दो लोग नंबर वन पे टाइटल इन्होंने जीता, दो लोगों ने सातवें स्थान पे दो लोग हैं शेयर कर रहे हैं। सिद्धार्थ लाल जो हैं वो आयशर मोटर्स के एमडी के रूप में फिर से अपॉइंट किए गए हैं अगले 5 साल के लिए। सिद्धार्थ लाल, आयशर मोटर्स लिमिटेड ने रेजोल्यूशन पास करके सिद्धार्थ लाल को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है कंपनी का अगले 5 साल के लिए। बोर्ड ने प्रबंध निदेशक के लिए एक संशोधित पारिश्रमिक संरचना को भी मंजूरी दी जिसमें अधिकतम 1.5% लाभ होगा। कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार पुनर्नियुक्त के प्रस्ताव को कुल 226 मिलियन मतों में से लगभग 93.8% के प्रस्ताव के पक्ष में जाने के साथ मंजूरी दे दी गई है। इंडिया का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया। ROIP का उद्घाटन SPM के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था। SPM कोलकाता पिछले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, कोलकाता पिछले 152 वर्षों से लगातार भारतीय प्रमुख बंदरगाह में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। ROIP प्रणाली एक लंबी दूरी की समुद्री संरचना समाधान है, विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सहायता के लिए। संचार के ROIP मोड का उपयोग करते हुए सैंड हेड्स के जहाजों को कोलकाता से रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। समाधान कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरे हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा और 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे, कोलकाता, हुगली पॉइंट, हल्दिया और सागर पायलट स्टेशन। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने वर्चुअली अटेंड की है 6th मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB, ठीक है, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एन सीतारमण ने IIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6th वार्षिक बैठक में वर्चुअली भाग लिया यानी कि जूम के थ्रू। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6th वार्षिक बैठक में भाग लिया। AIIB की वार्षिक बैठक का विषय आज का निवेश और कल का परिवर्तन था, ठीक है, इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। दिस ईयर द मीटिंग वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय AIIB इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। AIIB है क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को 2016 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिकन। इसके अलावा भारत ने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म्ड टू इम्प्लीमेंट निपुण भारत मिशन, ठीक है, निपुण भारत मिशन को लागू करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2026 से 27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सार्वभौमिक दक्षता के लिए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस उद्देश्य के इस साल जुलाई में निपुण भारत मिशन शुरू किया था, जिससे कि 3 तक सभी बच्चों को एटलीस्ट नंबर्स आने लगे और बेसिक एजुकेशन मिले, तो उसके लिए निपुण भारत की शुरुआत की थी। आज 25 अक्टूबर निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जुलाई में समझ और संख्यात्मकता निपुण के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत मिशन शामिल किया था। अभी निपुण को अंग्रेजी में जान लेती क्योंकि उसी से ये बना है, ठीक है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है, समझ सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो एटलीस्ट बच्चे पढ़ सकें और नंबर सुने आ सके कक्षा 3 तक, इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित किया जाता है, एक आधिकारिक बयान में कहा, निपुण भारत को लागू करने के लिए नवगठित राष्ट्रीय संचालन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष होंगी, ठीक है। इसके अलावा दंगारेमगा रिसीव्स पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड 2021 जर्मन बुक ट्रेड 2021 का पीस प्राइज जो है वो सी सी दंगारेमगा को मिला है।
द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू द जिम्बाब्वियन ऑथर एंड अ फिल्म मेकर सीसी डेंगरेम्बा, काफी कठिन नाम है, आप थोड़ा इसको देख कर ही याद कर लीजिएगा. फॉर न्यू एनलाइटनमेंट अ वर्क ऑन वायलेंस इन हर कंट्री एंड ऑल ओवर द कंट्री बाई बोर्सेवेरिन डेश ड्यूशन, दिस इज अ जर्मन वर्ड बेसिकली, एंड एसोसिएशन ऑफ जर्मन बुक पब्लिशर एंड बुक सेलर्स. ठीक है, ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्हें जर्मन पीस प्राइज मिला है. शी हैज़ वन द पेन प्रिंटर प्राइज 2021, इन्हें ये भी मिला है. हर डेब्यू नॉवल नर्वस कंडीशंस वर द फर्स्ट टू बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश बाय ब्लैक वुमेन फ्रॉम जिम्बाब्वे. इनको अवार्ड मिला है इस पब्लिकेशन कंपनी के एसोसिएशन के द्वारा और 25,000 यूरोज इन्हें इस प्राइज में मिलेंगे. अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन. फिनोमिनल वुमेन कमला हैरिस, इसका ऑथर कौन है? कमला हैरिस, रस्किन बॉन्ड, चिदानंद राजघाटा या फिर दिव्या दत्ता. तो इसके ऑथर हैं चिदानंद राजघाटा. कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की और भारतीय मूल की हैं. रस्किन बॉन्ड की किताब आई थी राइटिंग ऑफ माई लाइफ, हमने पढ़ा था. दिव्या दत्ता की किताब थी द स्टार्स इन माई स्काई और चिदानंद राजघाटा ने ये किताब लिखी है. ठीक है, तो चिदानंद घाटा ने ये किताब लिखी है. प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघटा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक लिखी है. इस पुस्तक में मिश्रित जाति भारत और जमैका की एक महिला कमला हैरिस के जीवन की अन्य घटनाओं को दिखाया है जो भारतीय मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बन गई. ठीक है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरला. तो इसका जवाब है दिल्ली. इसके सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, चेन्नई राजधानी है, आरएन रवि वहां के गवर्नर हैं, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, के चंद्रशेखर राव वहां के सीएम हैं और तमिलिसाई सौंदरंजन गवर्नर हैं, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन सीएम हैं और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं. दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए जो कोविड 19 महामारी के कारण रुकी हुई थी फिर से शुरू की जाएगी. 27 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की. अयोध्या को दिल्ली सरकार की मुफ्त तीर्थयात्रा में जोड़ा जाएगा. भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? यूके, कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस. तो कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बन गई हैं हमारी भारतीय मूल की अनीता आनंद. अनीता कनाडा के जो का जो कैपिटल है वो है ओटावा, पीएम है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा है कैनेडियन डॉलर वहाँ की करेंसी है, यूके की राजधानी है लंदन और यूरो वहाँ की करेंसी है, पीएम है बोरिस जॉनसन, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन और पेरिस वहाँ की राजधानी है, यूरो ही चलता है वहाँ भी, यूएस की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और यूएस डॉलर की करेंसी है. भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को 26 अक्टूबर 2021 को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था. वह कनाडा के लंबे समय तक सेवारत रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन की जगह लेती हैं जो भारतीय मूल के भी हैं. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. अगर आपने इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो टेलीग्राम पर जाइए और आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.